क्या आपने लिंक्डइन के बारे में सुना है? लिंक्डइन बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन होता नहीं, मैं भी थोड़ा सा अटकता हूँ। लिंक्डइन हमको फेसबुक पता है, इंस्टाग्राम पता है, स्नैपचैट पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं मार्केट में आज भी, बहुत सारे इवन एक्सपीरियंस इंजीनियर्स भी, तो उनको लिंक्डइन के बारे में कुछ पता नहीं। और जिनको पता भी है तो उनको ऐसे लगता है कि आई थिंक ये रिज्यूम अपलोड करने का प्लेटफॉर्म है, जॉब लेने का प्लेटफॉर्म है, लाइक नौकरी कैसे नौकरी.com shine.com वैसे ही ये जॉब मिलने वाला प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोगों को लगता है। तो अभी वो प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में तो यहाँ पर बताऊंगा नहीं, लेकिन आज एक मॉर्निंग को जब मैं लिंक्डइन यूज़ करता था, डेली नॉर्मली हमारा यूज़ करना होता है, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ से हमको पता चलते हैं, तो स्क्रॉल करते टाइम पर वहाँ पर मैंने आज एक देखा कि एक स्टूडेंट मतलब पास आउट है, एक्सपीरियंस है उसको, सॉरी स्टूडेंट नहीं पास आउट है, बट हाँ वो इंजीनियर नहीं है, उसने आई थिंक कुछ तो वो मार्केटिंग फील्ड रिलेटेड कुछ तो चीज़ें उसने की थी। तो उसने पोस्ट ऐसे लिखा था कि लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरे पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एंड उसके बाद मैंने सेकंड कंपनी को अप्लाई किया, बट जैसे मेरे जॉइनिंग का फर्स्ट डे था वो कंपनी उस दिन बंद होगी, डोंट नो समहाउ, बट नाउ आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरी एक्सपर्टीज इस चीज़ में है। उसने कुछ तो लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, HTML ऐसे कुछ तो एक होता है वो, देन कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ऐसे मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी उसने की थी। एंड नीचे उसने मेंशन किया था डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब एंड बिकॉज हैविंग सम फाइनेंशियल इशू आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, काइंडली हेल्प मी टू लाइक करो एंड कमेंट करो टू गेट बेटर रीच। तो ऐसे ये फर्स्ट पोस्ट, मतलब ऐसे एक ऐसे सिंगल पोस्ट होती नहीं, दिन भर में नियरली बट हम लोग 100 ऐसे पोस्ट देखते हैं हमारे कनेक्शंस में। तो मैंने उस बंदे को कहा, मतलब उसको कमेंट मैंने किया कि इफ़ यू आर हैविंग दी एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स, यू आर सेइंग कि देखो बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडली यू आर इन अ मार्केटिंग फील्ड, तूने इतना डेस्परेटली तू लाइक बेगर, यू आर लाइक मुझे जॉब दो, बट तूने अगर थोड़ी उल्टी साइड अगर देखी, मतलब उसको मैंने इस वर्ड में कहा था कि सी तूने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, लोगो डिज़ाइनिंग तेको आता है, यू कैन डिज़ाइन अ लोगो फॉर यूर सेल्फ, तेको कोरल ड्रॉ, तेको आई थिंक इट्स फोटोशॉप आता है, यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क जो तूने पिछले 6-7 महीने में किया होगा, थर्ड यू नो द वेबसाइट डिज़ाइनिंग तेको अगर पता है, देन यू कैन मेक योर डिजिटल प्रेजेंस एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज 3 यू कैन पिच योर सेल्फ योर स्किल्स टू वराइटी ऑफ कंपनीज। मतलब अभी तू जॉब के लिए जब कंपनी के सामने जाते हैं, लेट्स से एग्जांपल ऐसे बोलो कि कोई भी एक MIDC हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर आप जाते हो, आपके सामने रिज्यूम है, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा बेटा यहाँ पर दे, मैं देता हूँ एंड तू जा, एंट्री मिलती नहीं है। बट वही अगर आपके हाथ में विजिटिंग कार्ड हो एंड कहा कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मुझे कंपनी में एक जो भी रिलेटेड बंदा है उससे मुझे डिस्कस करना है, सिक्योरिटी गार्ड विल से ओके एंट्री करो एंड अंदर एंट्री मिलेगी एंड आप अंदर जाके कुछ तो मीटिंग जो भी आपका काम वो कर सकते हो। तो कहना क्या है, इन द केस ऑफ वो विजिटिंग कार्ड हो, आप कुछ तो सर्विस लेके जा रहे हो, ऑफर करने के इंटेंशन से आप जा रहे हो, तो आपको इजीली एंट्री मिल रही है, बट रिज्यूम लेके जा रहे हो तो एंट्री मिल रही नहीं है, लोग एंटरटेन कर रहे नहीं है, कुछ तो रीज़न है ना। मतलब सिंपली कहना ये है कि लोगों का आपकी तरफ देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और हमको भी जब हम लोग जॉब अप्लाई करते हैं या फिर अपने पास कुछ तो एक्सपर्टीज़ अगर आ चुकी है, नॉट एक्सपर्टीज़ बट कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कुछ तो स्किल्स आ चुके हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि जॉब इज़ नॉट अ ओनली वन वे टू अर्न मनी। हम लोग बचपन से देखते हैं, सीखो, सर्टिफिकेट लो, बाहर निकलो, जॉब सर्च करो, जॉब लो, पैसा कमाओ। हमको हमारे कंट्री में यही रटाया गया हुआ है कि जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग करो, डिग्री लो, कुछ भी करो, सर्टिफिकेट लो, जॉब करो, बट देर आर द एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस जो कि हम लोग कभी सोचते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बाउंसिंग जाता है, अरे ये क्या चीज़ तूने कह दी, ऐसे उन पैसे देगा हमको। तो कहने का पॉइंट ये था कि इसमें बेनिफिट होता क्या है, जब आप लिए सेकेंड रूट से जब जाओगे, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप उस परस्पेक्टिव से अगर देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, वहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है एज अ पर्सन। सेकेंड, आप जो काम करते हो वो काम को जितना डिजर्विंग अमाउंट ऑफ मनी है वो आपको मिलता है। एंड थर्ड, आपको टाइम का बेनिफिट है, आप जब चाहे तब काम कर सकते हो, जब चाहे आप छुट्टी ले सकते हो, इट्स
यू आर लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन, आप जी सकते हो एज अ फ्रीलांसर, जो कि आज मार्केट में हम कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पचने में टाइम लगेगा, बट एक बार पचने के बाद डेफिनेटली समझेगा कि काश हमने ये डिसीजन बहुत पहले लिया होता। थैंक यू।